नमस्कार। और आप देख रहे हैं पल पल। किसान आंदोलन के नेताओं के बयान में आया विरोधाभास। भारतीय किसान यूनियन के हरियाणा अध्यक्ष गुरनाम सिंह चूडनी ने चंडीगढ़ घेराव के कार्यक्रम से किया इनकार। चूडनी ने कहा कि 23 जनवरी को सिर्फ गवर्नर्स हाउस पर होगा विरोध कार्यक्रम, सभी राज्यों में प्रस्तावित है ये पूरा कार्यक्रम और चंडीगढ़ घेराव का कोई कार्यक्रम नहीं है। कोई नेता अगर अपने स्तर पर इस तरह का बयान देता है तो वह उसकी अपनी मर्जी होगी। संयुक्त किसान मोर्चा का चंडीगढ़ घेराव का कोई भी कार्यक्रम नहीं है। आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत ने बीते दिन चंडीगढ़ में घेराव करने का बयान दिया था। 26 जनवरी को दिल्ली में किसानों द्वारा की जाएगी ट्रैक्टर की परेड। किसानों का चंडीगढ़ घेराव का कोई भी कार्यक्रम प्रस्तावित नहीं है और अगर किसी किसान नेता ने इस तरह का बयान दिया है तो वे उसकी अपनी मर्जी है, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा का चंडीगढ़ घेराव करने का कोई कार्यक्रम प्रस्तावित नहीं है। यह बयान दिया है भारतीय किसान यूनियन के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चूडनी ने। किसान नेताओं के इस तरह के विरोधाभासी बयान के बाद सवाल खड़ा हो गया है कि क्या किसान यूनियन अलग अलग तरह से अपनी मर्जी से आंदोलन चला रही है। आज हरियाणा के सिरसा और फतेहाबाद में भारतीय किसान यूनियन के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चूडनी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि 23 जनवरी को केवल गवर्नेंस हाउस पर विरोध जताने का कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया है और इस कार्यक्रम के सभी राज्यों में प्रस्तावित है और इसके अलावा 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर परेड का कार्यक्रम किसानों द्वारा किया जाएगा। गुरनाम सिंह ने कहा कि सरकार किसानों का हौसला टूटने का इंतजार कर रही है और मौके की तलाश में है कि आंदोलन में कोई गड़बड़ हो जाए और कहीं से आंदोलन बदनाम हो और सरकार आंदोलन को खत्म कर सके, लेकिन किसानों का आंदोलन अडिग है और जब तक किसानों की मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक किसान दिल्ली से वापस नहीं लौटेंगे। वहीं गुरनाम सिंह ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जनता से ये भी अपील है कि आने वाले दिनों में पंचायत चुनाव हो या नगर निकाय चुनाव हो, इन चुनावों में किसान आंदोलन को समर्थन नहीं करने वाले लोगों को लीडर न बनाया जाए, ऐसे लोगों को वोट भी न दिया जाए जो किसान आंदोलन का समर्थन नहीं कर रहे हैं। गुरनाम सिंह ने कहा कि आज हरियाणा के सभी टोल पर जाकर के वहां आंदोलन की रणनीति बनाने की रूपरेखा का कार्यक्रम है और गांव-गांव जाकर के लोगों से अपील की जा रही है कि अधिक से अधिक संख्या में ट्रैक्टर लेकर के दिल्ली परेड में किसान शामिल हो जाएं। आज का जो दौरा है वो टोल प्लाजा का है, डबुआड़ी से लेके और हंसी तक ये चार टोल हैं, बीच में इन चारों पे जाएंगे और एक प्रोग्राम रानिया पे है, वो आज एक यात्रा ट्रैक्टर यात्रा जो है या ट्रैक्टर परेड उसको मान लीजिए उसको कर रहे हैं, उनको झंडी दिखानी है और उसके बाद जो भिवानी से और दादरी के बीच में टोल है उस पे जाएंगे। ये पांच टोलों के आज के प्रोग्राम हैं। सरकार से बातचीत चल तो रही है लेकिन बातचीत करने के लिए ही बातचीत चल रही है, वो मानने के लिए अभी राजी नहीं है और जिस तरह से 7-8 मीटिंग उनसे हो चुकी हैं और वो हर मीटिंग में ट्रकाने वाली बात कर रहे हैं, वो ये देखना चाहते हैं कि या तो किसानों का हौसला टूट जाए या इनमें निराशा आ जाए, कोई बदनामी किसी काम से हो जाए, फूट पड़ जाए, तो ये सारे काम या अकेले अकेले को तोड़ लिया जाए, इस तरह से वो प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उनको समझना चाहिए कि प्रकृति का संदेश है या हमारा खड़ा किया हुआ आंदोलन नहीं है, इसमें कश्मीर से कन्याकुमारी तक के हर वर्ग के हर जाति के हर धर्म के लोग जुड़ गए हैं और वहाँ पे सेवा देख के जो ऐसा लगता है जैसे परमात्मा जमीन पर उतर आया हो, तो प्रकृति के संदेश को समझना चाहिए, एक बदलाव का संदेश है और जो बीजेपी है या मोदी जी कह लीजिए वो एक तरह से प्रकृति से टकरा रहे हैं, तो ये उनके लिए खतरनाक रहेगा, गलत रहेगा। मार्च का आज बारिश बता रखी है और बारिश की वजह से आज जो दिल्ली उनका जो जो भारवा रोड है उस पर मार्च करना था वो कल करेंगे 7 तारीख को और आज कई जिलों में पहले से प्रोग्राम 6 तारीख का दे दिया है, तो जैसे रानिया है, करनाल में भी आज हो रहा है, 2-3 जगह पे आज जो इन्होंने पूरी तैयारी कर ही ली थी फिर वो आज ही करें। ये बच्चे से लेके बुजुर्ग तक, महिलाएं सब आगे आ रहे हैं और मजदूर से लेके व्यापारी तक, अनपढ़ से लेके सुप्रीम कोर्ट के चोटी के वकीलों तक, अधिकारी रिटायर अधिकारी
सब हमारे बीच में आ रहे हैं और सबका ये इकट्ठा आंदोलन है और ये तब तक आंदोलन चलेगा जब तक इस आंदोलन को जीत नहीं जाते। उसके लिए कुछ भी करना पड़े, उसके लिए कुछ भी कुर्बानियां देनी पड़े, ये देश का जो लोग हैं वो तैयार हैं। और इसमें एक मैं बता दूं, ये केवल किसानों का आंदोलन नहीं है, जन आंदोलन। ये कुछ भी करें, हमने उनको छूट दे रखी है, अब कितने मुकदमे दर्ज करें, कितने लाठी चार्ज करें, आंसू गैस के गोले मारें, लाठियां मारें, और भी जो करना है वो करें, लेकिन हमारा आंदोलन ये जारी रहेगा और ये आंदोलन बढ़ता जाएगा। और आज हम फतेहाबाद में आए हुए हैं और फतेहाबाद में हम दो पदाधिकारी भी बना रहे हैं। एक श्री छोटू राम जी हैं जो रिटायर्ड तहसीलदार हैं और इनको लीगल एडवाइज़र बनाया गया है, और जो दूसरा है वो श्री रणजीत सिंह जी राणा हैं जौल जी, और इनको जिला युवा का प्रधान बनाया गया है। और आगे भी हम इनको कहेंगे कि जो ठीक काम करने वाले, जो निस्वार्थ काम करने वाले, क्योंकि तो सेवा है, इसमें तनख्वाह तो है नहीं, इसमें एमएलए बनना है, तो जो सेवा करने वाले, समाज सेवा जो कर सकते हैं, वो और भी कोई निकले तो उनको और भी आगे हम पद देंगे और उनको कहेंगे भी जो अच्छे लोग काम करने वाले निकले उनके नाम हमने बताएं, उनको भी आगे लगाएंगे। एक एक गाँव से 100-100 ट्रैक्टर, भाई साहब एक गाँव से 150 ट्रैक्टर दिल्ली पहुंच गए, ट्रॉली लेके दिल्ली 150 ट्रैक्टर पहुंच गए गांव से। ये तो 10 ट्रैक्टर तो क्या है, 10 ट्रैक्टर तो किसी ने बोल दिया था, वो 10 तो है ही नहीं कुछ। तो एक लहर है और तूफान है और ये मोदी जी को समझ जाना चाहिए, महंगा पड़ेगा। जनता से टकराव, प्रकृति से टकराव होता है, परमात्मा से टकराव होता है। नहीं, चंडीगढ़ घेरने का फिलहाल कोई प्लान नहीं है, और वो तो कई कोई अपनी मर्जी से कोई बयान दे तो अलग बात है, लेकिन जो संयुक्त किसान मोर्चा उसका भी चंडीगढ़ घेरने का प्रोग्राम नहीं, 23 को गवर्नर हाउस पे प्रदर्शन करने का प्रोग्राम उस भी स्टेट, और 26 तारीख को जो दिल्ली में जो है वो ट्रैक्टर परेड है, ये प्रोग्राम है। और जो अंबानी का, अडानी का और बाबा रामदेव का, इनके जो उत्पाद हैं वो उनका बहिष्कार, उनको मत खरीदने। और जो चुनाव हैं, चाहे वो म्यूनिसिपल का है, चाहे वो आगे पंचायत का, जिला परिषद का है, उनमें उन लोगों की मदद ना करें जो इस आंदोलन में सहयोग ना करें, बाकी किसी को डालें, लेकिन जो इस आंदोलन में शामिल ना हो, इसका मतलब वो समाज का नहीं है, जो समाज का नहीं है तो समाज उसको लीडर ना बनाए। तो ये इतने संदेश हम और लोगों को दें।